मध्य प्रदेश में शराबबंदी की मांग कर रही पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने अपने ऊपर हमले की आशंका जताई है। वे सोमवार देर शाम भोपाल के अयोध्या बाईपास स्थित शराब दुकान पर पहुंची और दुकान के सामने लगे पर्दे हटवा दिए। इसके बाद वहां कुछ देर तक कुर्सी डालकर बैठी रही। स्थानीय लोग खासकर महिलाएं भी जुट गईं। प्रदर्शन के दौरान उन्होंने प्रशासन को घेरा। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने निशाने पर इन दिनों शराब दुकानें और अहाते बनाए हुए हैं। उमा ने कहा, शराब दुकानों में अहाते की कानूनी तौर पर अनुमति नहीं है, लेकिन स्थानीय प्रशासन की सहमति से अहाते खोल लिए जाते हैं। इसमें भारी भ्रष्टाचार होता है और हफ्ता वसूली से सबकी जेबें गर्म होती हैं, इसलिए सब अपना कर्म भूल जाते हैं। तिलकधारी, जेनूधारी, तलवारधारी, अपने आप को भगवान का सेवक मानने वाले लोग अहाते आसानी से चलने देते हैं। मैं 7 नवंबर से अपना अभियान शुरू करने वाली थी, लेकिन अब लगता है कि यहीं पर टिक्कर सेकेंगे। बता दें, उमा भारती ने 7 नवंबर से प्रदेश में शराबबंदी लागू होने तक घर छोड़कर शराब दुकान के सामने टेंट लगाकर रहने का ऐलान किया है। उमा भारती बोली, शराब माफिया से मुझे जान का खतरा। भोपाल में शराब दुकान के अहाते से पर्दा हटवाया, कुर्सी डालकर बैठी। इसलिए पीएम गृह मंत्री के दौरे के दौरान चुप रही उमा भारती ने कहा, दुर्गा जी और हनुमान जी के मंदिर के सामने शराब की दुकान और अहाता है। ये दुकान गैर कानूनी है। मैं 11 से 16 के बीच में यहाँ आना चाहती थी, लेकिन उज्जैन में प्रधानमंत्री और भोपाल में अमित शाह के कार्यक्रम थे। मैं नहीं चाहती थी कि उनके मध्य प्रदेश दौरे के समय कुछ करूं। मैं भाजपा की कार्यकर्ता हूं, शिवराज की छोटी बहन हूं। मैं उन्हें लज्जित होते हुए नहीं देख सकती, लेकिन जो हो रहा है उसे देख नहीं पा रही हूं। ये दुकान मुझे 6 महीने से अखर रही थी। ये दुकानदार कोर्ट से स्टे लेकर आ गया। मुझ पर शराब माफिया का हमला होगा, मुझ पर जाति और धर्म के भेद का आरोप लगाया जाएगा। शराब की दुकानें चलाने वाले लोग को ताकत सत्ता से प्राप्त हुई है। मेरा इतना ही कहना है कि सत्ता से मिली ताकत सरकार वापस ले ले। मैं 5 महीने का इंतजार कैसे करूं?